हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है आरशी और आज हम आए हैं नाइमेगन में। नाइमेगन एक सिटी है नेदरलैंड्स में, कहा जाता है ओल्डेस्ट सिटी है नेदरलैंड्स की। आज कहीं घूमेंगे हम यहाँ पे, कौन कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं देखने लायक, क्या फेमस है और ये सब नज़ारे में आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करें। जो पीछे देख रहे हैं ये है नाइमेगन का सेंट्रल स्टेशन। नाइमेगन सेंट्रल स्टेशन की बहुत ही रिच हिस्ट्री है। ये ओपन हुआ था 1865 में और ये ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है नेदरलैंड्स का। नेदरलैंड्स की एक लंबी और पुरानी हिस्ट्री है साइकिलिंग के साथ में। यहाँ पे बाइसिकल बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कंट्री के ट्रांसपोर्टेशन कल्चर का। साइकिलिंग यहाँ पे पॉपुलर हुई थी लेट 19th सेंचुरी में, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल थी और काफ़ी एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया, डेडिकेटेड साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया। यहाँ पे साइकिलिंग पाथ्स बनाए गए, बाइक फ्रेंडली सिटीज़ बनाई गई, जिससे और प्रमोट किया गया बाइसिकल के यूज़ को। और आज की तारीख में ये साइकिलिंग पैराडाइज कहा जाता है नेदरलैंड्स को। तो एक बात जरूर बताना चाहूंगी, यहाँ पे वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश हो रही है, कब अच्छा सा सनी वेदर हो जाता है, कभी बादल आ जाते हैं, थोड़ी सी देर में ही वेदर इतना चेंज हो जाता है। अभी जैसे आप देख सकते हैं काफी बादल आए हुए हैं, तो देखते हैं आगे चल के कैसा नजारा होता है। नेदरलैंड्स जाना जाता है इसकी यूनिक लैंड रिक्लेमेशन एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए, जो कि शेप करता है कंट्री का लैंडस्केप। थ्रू द सेंचुरीज जो कि डच एम्प्लॉयड इनोवेटिव टेक्निक्स हैं, जैसे कि पॉल्डरिंग, डाइकिंग एंड ड्रेनेज, जिससे कि लैंड को रिक्लेम किया जाता है फ्रॉम द सी और क्रिएट किया जाता है न्यू एग्रीकल्चर एरियाज। ये जो आइकॉनिक विंड मिल्स आप भी देखते हैं नेदरलैंड्स में, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है, जो कि वाटर को पंप करती है और मेंटेन करती है वाटर लेवल्स। आज 1/3 नेदरलैंड्स का बिलो सी लेवल है और इसका इंट्रिकेट सिस्टम्स है जो कि डाइक्स एंड कैनाल्स हैं, ये कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्लडिंग से और बहुत ही रिमार्केबल इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स दे रहे हैं। क्रोनेनबर्गर पार्क, ये एक हिस्टोरिक पार्क है। ये डिज़ाइन किया था 19th सेंचुरी में और इसे बनाया था लियोनार्ड स्प्रिंगर ने, जो कि आर्किटेक्ट थे इसके। ये पार्क जाना जाता है इसके सीनिक व्यूज़ के लिए, बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर होता है, ब्यूटीफुल गार्डन्स के लिए, पिक्चरिक व्यूज़ के लिए सिटी के, और बहुत ही हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, क्योंकि ये जो पार्क है काफ़ी पास में है आइकॉनिक क्रोनेनबर्ग टावर के, जो कि बना था 14th सेंचुरी में और अभी ये फिलहाल वन ऑफ द लास्ट मेडिवियल स्ट्रक्चर है नाइमेगन में। इस पार्क में बहुत सारे पॉपुलर गैदरिंग्स होती है लोकल्स के लिए, विजिटर्स के लिए, और काफ़ी ये हार्ट में है सिटी के। लांगी हिजेल स्ट्रात, ये जो हिस्टोरिक स्ट्रीट है नाइमेगन की, ये ओल्डेस्ट शॉपिंग स्ट्रीट मानी जाती है इस कंट्री की। ये जो स्ट्रीट है ये रोमन टाइम्स में बहुत ही रिच हिस्ट्री कैरी करती है, ओवर 2000 ईयर्स, और ये बहुत ही ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट रूट हुआ करती थी मिडल एजेस में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी सिटी के कॉमर्स में एंड डेवलपमेंट में। ये जो आज के टाइम में लांगी हेजल स्ट्रात है, ये अभी भी रिटेन करता है ये प्यारा सा चार्म और मिक्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, बुटीक शॉप्स, कैफे एंड रेस्टोरेंट्स को।
ग्रोटे मार्क्ट यानी कि ग्रेट मार्केट, बहुत ही हिस्टोरिक स्क्वायर है यहाँ पे जो कि लोकेटेड है इस सिटी में। जैसे कि हर जगह हर सिटी में एक कॉमन एरिया होता था ना, जो कि एक सेंटर होता था जहाँ पे मार्केट लगता है, आज भी लगता है, और जहाँ पे लोग अपने सामान को बेचने आते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरह ही है यहाँ पे। ये मार्केट जो एरिया है ये सर्व करता है वाइब्रेंट मार्केट प्लेस को, जहाँ पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आया करते थे अपने सामान को बेचने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए कमोडिटीज़ को। और सेंचुरी ओवर द सेंचुरीज़ ये मार्केट जो प्लेस है ये बहुत ही कमर्शलाइज होता गया, और ये हार्ट ऑफ नाइमेगन में सिचुएटेड है। ये जो स्टैचू है ये बेस्ड है एक मेडिवियल फोक टेल के ऊपर, जिसमें एक यंग गर्ल होती है और ये डेविल्स के साथ में एक पैक्ट बनाती है, और फिर वो एक एंड कर देती है इन चीज़ों का, वो ईविल चीज़ों का, जब वो एनकाउंटर करती है वर्जिन मैरी को। तो यही कुछ एक पुरानी कहानी है जो कि बहुत ही कॉमन है, सेलिब्रेटेड है लिटरेचर, थिएटर में, आर्ट में। यहाँ पे आप जो ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेप्स बनी हुई है, आप टॉप पे देखेंगे तो ये जो टॉप पे स्टेयर्स बनी हुई है ये डिनोट करती है पुराने टाइम में जिसके पास ज़्यादा पैसा होता था उसके घर के ऊपर ज़्यादा स्टेप्स बनी हुई होती थी। ये आपकी रिचनेस को डिनोट करता है पुराने टाइम में। और जिस बिल्डिंग के ज़्यादा खिड़कियाँ बाहर की तरफ ओपन होती है ये भी यही जताता है कि वो पर्सन बहुत ही रिच है जो ओन करता है इस घर को और ज़्यादा टैक्स पे करता है। एक रिवर है जिसको वाल्स कहते हैं, और उस रिवर का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगी, तो वहाँ चलते हैं। और मेरे उड़ते हुए बालों से आप पहचान सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी हवा चल रही है। और ये बहुत कॉमन है जिस भी सिटी में बहुत ज़्यादा, जिस भी सिटी में रिवर होती है तो उसमें इस तरीके की हवा या फिर ज़्यादा ठंड। अभी देखो मई चल रहा है और अभी भी हम कुछ ना कुछ जैकेट पहने हुए हैं, तो ये बिल्कुल यही बताता है कि कितनी हवा है और कितनी ठंड है। तो चलो मैं आ गई हूँ यहाँ पे रिवर फ्रंट पे और दिखाती हूँ कुछ नज़ारे, आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा देख के। तो चलो अब आप सामने देख सकते हैं वाल रिवर, जो कि मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है राइन रिवर की, जो कि मेजर रिवर्स में आती है नेदरलैंड्स की। और इसकी जो हिस्ट्री है काफ़ी इंटरवाइंड है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ दिस रीजन, बिकॉज जहाँ पे भी जनरली रिवर होती है वहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट होती है, एग्रीकल्चर अच्छा होता है। तो शायद ये भी कुछ रीज़न है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी गई है इसमें, यहाँ के डेवलपमेंट में। और थ्रू आउट हिस्ट्री इस रिवर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ट्रेडिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में एंड डिफेंस में। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाटरवे है जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है हिस्ट्री में भी।
काफी अच्छी जगह है ये घूमने के लिए, बहुत अच्छा शहर है और ये जो रिवर है ये और भी सुंदर कर देती है इस जगह को। ठंड काफी है लेकिन स्टिल नजारे अच्छे हैं।